डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार भोजपुर की धरती पे आज हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो भोजपुर के हैं जिला प्रभारी के तौर पर भी तेजस्वी यादव हैं, और आज भोजपुर में कई कार्यक्रम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सबसे पहले सभी पदाधिकारियों के साथ तेजस्वी यादव बैठक भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की आज ये पहली यात्रा है। तेजस्वी यादव इस वक्त आरा पहुँच चुके हैं और सर्किट हाउस में आरजेडी के कई विधायकों की मौजूदगी में वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज आरा में कई कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जो सियासी गलियारे से निकल के आ रही है, उसे लेकर राजधानी पटना में भी काफी चर्चा है। जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि क्या तेजस्वी अपने इस दौरे के दौरान आरजेडी के पूर्व विधायक और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अरुण यादव से मुलाकात करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अरुण यादव ने पिछले दिनों सरेंडर कर दिया था और लंबे अरसे से फरार रहे अरुण यादव सरेंडर के बाद से अब न्यायिक हिरासत में हैं। फिलहाल पूर्व विधायक अपना इलाज आरा के सदर अस्पताल में करा रहे हैं। तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर बताया जा रहा है कि वह आज कई अस्पतालों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी आरा सदर अस्पताल का दौरा करते हैं तो इस अस्पताल में रहकर इलाज करा रहे पूर्व विधायक अरुण यादव से भी उनकी मुलाकात होती है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि उनकी पत्नी और आरजेडी की मौजूदा विधायक किरण देवी इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ ही मौजूद हैं। तेजस्वी यादव आरा सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वहां बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी यादव के सामने अपनी मांग रखना चाह रहे हैं। साल 2015 में संदेश विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव कई सालों तक फरार रहे। उनके ऊपर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था और पुलिस जांच के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, लेकिन अरुण यादव पुलिस के हाथ कभी नहीं आए। पुलिस की कार्यशैली पर भी इसे लेकर सवाल उठता रहा। आखिरकार अरुण यादव ने 16 जुलाई को आरा कोर्ट में एडीजे 6 की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अरुण यादव ने अपनी तबीयत खराब बताई थी, बाद में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सियासी गलियारे में चर्चा है कि अरुण यादव अस्पताल में ही लोगों से मुलाकात करते हैं। बिहार में अपनी पार्टी की सरकार आने के बाद से अरुण यादव ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं तो जाहिर तौर पर विरोधी दल के जो नेता हैं वो सवाल उठाएंगे और तेजस्वी यादव को आरा से लेकर पटना तक एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।